इस्लाम के स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस, एक्सरसाइज नंबर 2.7, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड होगा। इसमें जितने कवर हो गए करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। नॉर्मली क्वेश्चन ना ऊपर नीचे रखकर सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी इक्वेशन पहले है कौन सी बाद में। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली रख रहा हूँ, उन्हें कुछ बाहर रखें, अंदर ना लाएं, उसी हॉल में ना उसी हॉल में बैठा दें। वहाँ पर यहाँ तक इधर है, यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली उतार दी, एक के साथ एक उतार दी। मेरा मेजर एम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने क्या करना क्या है? एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। मैंने बताया था हमें या तो सेम वैल्यू मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी? सेम, हम इसे माइनस करेंगे काट देंगे, या सेम नहीं होंगी, क्या होंगी? सेम नहीं है तो मैं सेम करूंगा, ठीक है। यहाँ था इक्वेशन थी y इक्वल टू 3 - x, मैंने यहाँ से एक वैल्यू निकाल ली थी, ये थी छोटी इक्वेशंस और बनी हुई थी। इसमें इक्वेशन बना के नहीं दी गई भी, निमरा पे यहाँ पे है, ये आ गया। अब इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b इज इक्वल टू 10 है। मैंने पहली इक्वेशन सॉल्व की है, ठीक है। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 1 वहाँ जाए क्या हो जाएगा? माइनस 1। कोई इतराज़ तो बोल दे। ये 1 थी, ये 2 थी, इसे 3 बना दिया और ये एक साइड पे आ गई है। क्वेश्चन 4 क्या था? ये बनी बनाई गिवन है, तो बनी बनाई है ना। क्वेश्चन कौन सा कर रहा हूँ मैं? 5 वाला, ठीक है। आ गया, मैंने इक्वेशन 3 और 4 को ऊपर नीचे रख लिया है। ये 2y की 2y उतारना है, यहाँ 2y नहीं है नीचे वाले में, तो मैंने अलग 4x लिख दिया। देखें, एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर के नीचे वाई स्क्वेयर, वाई के नीचे वाई, एक्स के ऊपर एक्स, और कॉन्स्टेंट या वैल्यू के नीचे वैल्यू, ठीक है। बिलाल भाई, कल तक छोड़ दिया ना आपने, अब क्या होगा? अगर साइन सेम होंगे, अगर साइन, तो क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट, क्या करेंगे उससे? क्या होंगे? साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होता है? चेंज हो गया, ये कट गया, इसका साइन चेंज होगा, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है बस। ये माइनस 2y एज इट इज़, माइनस 4x एज इट इज़, 9 में से 1 गया 8 आ गया, कोई इतराज़? यहाँ क्या कॉमन है? माइनस 2, प्लस 2 भी निकाल सकते हैं आप, माइनस कॉमन आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे क्या है? 8, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाए क्या होगा? डिवाइड, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 8 बाय क्या होगा? माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 4। आई के चली गई, क्लियर है? y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x। y किसके बराबर निकल आया? इसके बराबर निकल आया, ठीक है। क्या करेंगे बाप? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 3 में, 2 में, 4 में, 1 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। पहले इक्वेशन 4 एज इट इज उतार रहे हैं ताकि समझ आए कि हमने किया क्या है,
ठीक है। मैंने वैसे इसे ही क्यों चूज़ किया, बाकियों को क्यों चूज़ नहीं किया? अच्छा ये और ये सेम है ना, तो दो नाम ना दें आप, ठीक है। मैंने ये क्यों चूज़ नहीं की कि यहाँ दो दफ़ा वाए है, ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा वाए है, कर वो भी सकते हैं। वाई की वैल्यू माइनस फोर माइनस टू एक्स है ना, माइनस फोर माइनस टू एक्स होल स्क्वेयर प्लस फोर एक्स इक्वल टू वन, ए स्क्वेयर प्लस माइनस फोर का स्क्वेयर क्या होगा बिलाल साहब, प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन, माइनस फोर का स्क्वेयर लूंगा तो क्या आएगा, प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन, नहीं पता बताएं, प्लस सिक्सटीन, क्यों कि नेगेटिव का स्क्वेयर पॉजिटिव, फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, अगेन नेगेटिव का स्क्वेयर पॉजिटिव, टू का स्क्वेयर फोर, एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए बी, फॉर्मूले का ए भी माइनस में है और बी भी माइनस में है, प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू वन, को इतराज तो फरमा दें, फोर एक्स स्क्वेयर अगेन माइनस माइनस प्लस माइनस, फोर टू जार एट, टू जार प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कभी भी वैल्यू उतारो तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच है इधर, एक दो तीन चार वैल्यूज गिन लिया करो, क्योंकि मैंने 16 छोड़ा था कि मैं इसको अलग लिख दूंगा, लेकिन समटाइम होता है जब हम छोड़ते हैं बाद में भूल जाते, लिखना भी था उसे, आसान हल यह से काउंट कर ले, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे कितनी थी चार, एक मिसिंग थी, ये 16 वहाँ चले जाएगा, एक्स के प्लस फोर एक्स क्या होगा माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ समझ आई? यहाँ पे क्या होगा अब फैक्टराइजेशन, प्लस सिक्सटीन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, खुश हो? अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वेयर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो दिल का लगा लो, क्या फैक्टर बनते हैं इसके देखें, 15 फाइव जार 75 एक्स स्क्वेयर, और ये क्या है माइनस ट्वेल्व एक्स, 75 पे क्या लेंगे हम, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 अंदर 5 5 अंदर 25, 5 थ्री जार 15, 3 वन जार क्या, 5 थ्री जार 15, 15 माइनस 5 10 होता है, यहाँ 12 है, 5 25, 25 75, 25 माइनस सी 22 होता है, फैक्टराइजेशन नहीं होती। फार्मूला क्या है, ए बी एंड माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो लिखेंगे भी मेरे फार्मूला, क्यों लिखेंगे, गलती से बच जाता है बंदा, ये शेड में तो नहीं आ रहा, माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व का स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ए कितना है फाइव, ए कितना है फाइव, सी कितना है फिफ्टीन, कुछ समझ आएगी, चली गई है, माइनस माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस वन फोर्टी फोर, माइनस क्या होगा देखें, 300 बाय 10 माइनस करें कितना आता है 156, 156 किसी के फैक्टर बनाता है, माइनस 156, देखो आयोटा में आंसर आता है, अगर माइनस में तो भी गलती है कहीं हमारी, माइनस टू वाई माइनस फोर एक्स ए ठीक है, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस फोर ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस फोर है माइनस टू एक्स ये भी ठीक है, फाइव एक्स स्क्वेयर
रिपोर्टिंग यहाँ की है ना हमने, यहाँ गलती है हमारी। क्या गलती है देखें, यहाँ हमारी गलती है। देखो क्वेश्चन ने ही बता दिया कहीं गलती थी, ये माइनस है ना, अंडर रूट में कभी माइनस नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, माइनस नहीं होता। समटाइम गलती सिखा देती है हमें कि हमने क्या होना है। हम आयोटा को 156 को इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर में, मैं से ये बना सकता हूँ, लेकिन ये चैप्टर आयोटा वाला नहीं है। देखिए मैंने माइनस वन को अलग किया, आयोटा स्क्वायर लिखा, स्क्वायर स्क्वायर से घटा डील करके, लेकिन ये क्वेश्चन आयोटा वाला नहीं है। तो यहाँ गलती है हमारी, गलती ढूंढे क्या है, एक्स स्क्वायर एलसीज है, इसका स्क्वायर क्या है। अच्छा देखें, मैंने दो तरीके हैं, गलती मेरी क्यों हो गई कि फार्मूले दो हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी। इधर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, प्लस वाला माइनस वाला, दोनों में माइनस है, तो जो हमें कंफ्यूज कर गए। मैं तो गलती की लेकिन आप लोगों ने पकड़ी नहीं। देखें अगर मैं माइनस दोनों के इसके अंदर लिख रहा हूँ ना, तो मतलब मैंने फार्मूला प्लस का लगाया हुआ है। जब ये माइनस अंदर चला गया तो बाहर क्या बचेगा, प्लस। मीन्स टू से माइनस फोर माइनस टू एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिखूँ, प्लस लिख के माइनस टू एक्स और होल का स्क्वायर, और इसको मैं ब्रैकेट में ले जाऊँ, ए पॉजिटिव हो गया बी पॉजिटिव हो गया। ये गलती भी थी हमारी, क्योंकि देखिए यहाँ मैं इसको स्क्वायर कैसे लेके गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको हमने किस में रखा था, ब्रैकेट्स में, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस फोर सॉरी प्लस सिक्सटीन ये लिखा हुआ है, देन प्लस फोर एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी एक्स। आगे समझ के नहीं आई, अगर हम अभी इसको ट्वेंटी लिखें ना, जहाँ जहाँ हमने लिखा है ट्वेल्व, यहाँ से भी आंसर ठीक है, ऐसे कर दे चाहे। बी ट्वेंटी हो गया, तो जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ट्वेंटी क्या आ जाएगा। समझ आ रही है, जा रही है, माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस बाकी सब कुछ वही है, ये फाइव है और ये फिफ्टीन है। यहाँ पे क्या आएगा, ट्वेंटी का स्क्वायर क्या होता है, फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड कितना होता है, हंड्रेड, हंड्रेड का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है उसका, टेन। आई समझ के चली गई है, मतलब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन सारा सॉल्व हुआ हुआ था, माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस टेन बाई टेन। समटाइम गलती भी सिखाती है, अगर आपके पेपर में गलती निकल आती, ठीक है, आपने यहाँ से वापस किया, अच्छा ये इसकी फैक्टराइजेशन होती है, आपने सारे को काट देना था ना, ऐसे ही है कि चलो फैक्टराइजेशन तो होती है, करते हैं फैक्टराइजेशन, लेकिन करने नहीं बैठ देना उस टाइम पर, क्यों कि आपने इतना सॉल्व किया बस उसको ठीक कर ले। अगर ज़्यादा गन लगे, गन पड़ गया है, तो छोड़ दें, एक लाइन का क्रॉस कर दें उसको आप। अब क्या होगा, माइनस ट्वेंटी माइनस टेन बाई टेन, माइनस ट्वेंटी प्लस टेन बाई टेन, माइनस थर्टी बाई टेन कितना होगा, माइनस थ्री, माइनस टेन बाई टेन कितना होगा, माइनस वन। ये किसकी वैल्यूज आई हैं, एक्स की के वाई की, क्यों, इक्वेशन में एक्स है, ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा मैं, उस इक्वेशन में, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू और माइनस थ्री, टू आ गया। एक्स जब माइनस थ्री है, वाई क्या है, टू है, ऐसे ही अब माइनस वन पुट करूँगा, क्या पुट करूँगा, माइनस वन, तो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, एक्स जब माइनस सॉरी एक्स जब माइनस वन होगा, वाई क्या होगा, ये आपके दो सोल्यूशन सेट निकल आए हैं, समझ आई। मीन मेजर पहले इक्वेशन बना लेनी है हमने, इक्वेशन बनाने के बाद जो जितना छोटा था कर लें उतना, उसमें फाइव हो गया, सिक्स भी सेम है, सेवन ज़्यादा आसान है, सेवन ज़्यादा आसान है, सेवन एट तक क्वेश्चन होंगे आपके,
सेवन एट नाइन भी हो जाएगा, नाइन वाला मैं करवा रहा हूँ अभी, नाइन वाला करवा रहा हूँ, उसमें दो तीन आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, नहीं कर पाएंगे, नोट करना होगा आप लोगों को, पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर नाइन है जी, अब सेवन एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव वाई स्क्वेयर इक्वल टू सेवन है। क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन तीनों सेम टू सेम, अगर मैं सेवन एट करवा दूं नाइन ना करवाऊं तो आलोचना नाइन का जाके नहीं होगा, ठीक है, अगर नाइन करवा दूं तो सेवन और एट का जाके हो जाएंगे। मैंने बताया अभी अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेक्चर स्टार्टिंग में बताया कि मैं वेरिएबल सेम कर लेता हूँ, देखिए एक्स स्क्वेयर सेम है, वाई स्क्वेयर सेम है, समझ आई, मेरी आसानी है, तो मैं क्या करूँगा किसी इन दोनों का या किसी एक का कोफिशेंट सेम कर लूँगा। सेवन एट में देखें सेम है, सेवन एट में देखें सेम है, सॉरी सेवन में सेम है, किसी में सेम नहीं है यार, अच्छा मुझे अभी ना सेम नजर आए थे, चलो कोई बात नहीं। ये आ गई इक्वेशन वन और ये आ गई इक्वेशन, आ गई कि चली गई, किसको सेम करना है, एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट को, कोफिशिएंट को, या वाई के कोफिशिएंट को, इसका डील करें। यहाँ क्या लिखा हुआ है सेवन, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे सेवन से, यहाँ क्या लिखा हुआ है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और बाहर क्या लिखेंगे, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय टू, इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय सेवन, टू सेवन आर फोर्टीन एक्स स्क्वेयर, टू थ्री आर सिक्स वाई स्क्वेयर, फोर टू आर एट, इक्वेशन थ्री हो गई, टू सेवन आर फोर्टीन एक्स स्क्वेयर, थर्टी फाइव वाई स्क्वेयर, फोर्टी नाइन इक्वेशन फोर, दो हो गई। अब इन्हें ऊपर नीचे लिख लें, माइनस सिक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू एट है, फोर्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टी फाइव वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर्टी नाइन है, माइनस किया कट गया, माइनस माइनस प्लस फोर्टी वन वाई स्क्वेयर, फोर्टी नाइन माइनस एट कितना होगा माइनस फोर्टी वन, नहीं फोर्टी वन वहाँ रहे क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा तो वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, इसका लेंगे स्क्वेयर रूट तो वाई किसके बराबर निकल आएगा, मुश्किल है। अब कोई भी इक्वेशन पकड़ लें, थ्री पकड़ें, टू पकड़ें, फोर पकड़ें, फाइव पकड़ें, कोई भी इक्वेशन ले लें, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फोर थ्री फाइव वन टू, जो करना है कर लें, फोर्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टी फाइव वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर्टी नाइन, फोर्टीन एक्स स्क्वेयर आ गया, वाई की वैल्यू फिलहाल क्या है प्लस वन, फोर्टी नाइन आ गया, फोर्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू फोर्टी नाइन। अब क्या करेंगे आगे हम, फोर्टीन एक्स स्क्वेयर फोर्टी नाइन माइनस थर्टी फाइव कितना होगा, ये सेम सेम आ रहे हैं ना, ये निशानी है कि क्वेश्चन ठीक हो रहा है हमारा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर्टीन बाई फोर्टीन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक साइड हो गई। अब क्या अगेन माइनस वन है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वन इक्वेशन थ्री फोर टू वन, जहाँ मर्जी दिल करें सेम ऐसे ही पुट कर दें और बाद में अपना सोल्यूशन सेट बना लें, समझ आई। मेन इस क्वेश्चन में क्या टेक्निक थी मेजर, जब सेम ना हो तो कैसे सेम करना है, अगर ये स्क्वायर में ना होता एक्स वाई होता तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाना था, ठीक है, ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन कल करवाऊँगा, उसमें वेरिएबल डबल भी हैं, एक्स वाई इकट्ठा भी है उसमें, ठीक है जी, कल करेंगे, थैंक यू।